देखिए फराज नाम की एक नई फिल्म आ रही है जो कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, ढाका टेरर अटैक। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका पे कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले एक टेरर अटैक हुआ था। और ऐसे इशू पे फिल्म बनाना काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव इशू है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस अटैक में वो ये था कि ये वैसे लोगों को मार रहे थे जो लोग कुरान की आयतें बोल के सुना रहे थे, उसको तो वो छोड़ दे रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं सुना पा रहे थे उसको वो मार रहे थे। तो ये मेन इंसिडेंट था। तो बहुत सारे अपने इंडियंस भी, कुछ लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो ऐसे इशूज़ पर फिल्म बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपने इसके डायलॉग्स पर ध्यान देना होता है, इसके सीन पर ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जो मैसेज है या डायलॉग्स कुछ भी आगे पीछे हुआ तो काफ़ी बड़े कॉम को बुरा लग सकता है ऐसी चीज़ें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे फिल्में बनानी पड़ती है, और काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और ऐसे फिल्म को बनाने के लिए चाहिए एक मझा हुआ डायरेक्टर और लेखक और प्रोड्यूसर। तो इसके जो डायरेक्टर है हंसल मेहता, ये भी काफ़ी मंझे हुए डायरेक्टर है। आपने इनकी एक फिल्म देखी होगी हंसल मेहता स्कैम, काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल सीरीज भी रही है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर ने ऐसे इंटेलेक्चुअल सीरीज को डायरेक्ट किया। तो इन्होंने ऐसे पहले भी एक फिल्म बना चुकी है जिसका नाम है शाहिद, जिसमें राजकुमार राव थे। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ सेंसिटिव इशू थे। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं अनुभव सिन्हा, वो भी ऐसे फिल्में कर चुके हैं पहले, जिसका नाम है मुल्क, जिसमें थे ऋषि कपूर, और ऐसे ही सेंसिटिव इशू को उन्होंने रेज किया था। लेकिन आप उस फिल्म को देखेंगे तो ऐसे इशूज को उन्होंने इतने तरीके से, बैलेंस तरीके से पूरे फिल्म में एग्जीक्यूट किया है कि किसी भी कौम को या बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ जो सच है फैक्ट्स है उसको निकाल करके स्क्रीन पर रखा है। तो इस तरह से मंझे हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर वापस से एक फराज फिल्म बनाई है जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको कहानी उस खास तरीके से रिवील नहीं हो रही, आपको लगेगा कि ट्रेलर स्टार्ट होता है गोली ढाई 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 और ट्रेलर एंड हो गया। तो मैं जब फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कहीं 26/11 की फिल्म वापस तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आपको भी ऐसा ही लगेगा कि जब आप ट्रेलर देखोगे तो लगेगा कि मैं 26/11 की फिल्म या ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लगेगी। आतंकवादी घुस गए एक होटल के अंदर और लोगों मारना चालू कर दिए, तो उसी तरीके से आपको फिल्मर लगेगा। तो एक वैसे ऑडियंस को तो मालूम ही है, और क्रिएटर ने पहले भी रिवील कर दिया कि ये ढाका टेरर अटैक के ऊपर कहानी है। तो एक सेंट्रल स्टोरी जो चल रही है इस पूरी फिल्म में वो ये है कि फराज नाम का एक कैरेक्टर है जो उस होटल में फंसा हुआ, उसके फादर एक बड़े पॉलिटिकल पावर हैं जो बाहर हैं। तो उनकी पीछे वो कैसे निकालना चाह रहे हैं अपने बेटे को उस होटल से, उस पे कहानी है। ठीक है, जब भी कुछ इस तरह की फिल्में होती है तो किसी के पर्सपेक्टिव से फिल्म कहा जाता है, या तो पुलिस के पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है कहानी कि हाँ पुलिस क्या कर रही है, वो चीज़ें हो रही हैं, या फिर एक आतंकवादी के पर्सपेक्टिव से स्टोरी नरेट की जा सकती है कि मैं उधर से निकला, मतलब मेरे को जो बॉस उसने ऑर्डर दिया, कैसे वो घुसा होटल में और कैसे उसने अंजाम दिया। ठीक है, या फिर एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से कहानी हो सकती है कि भाई मैं वहाँ पे विक्टिम था, मैं फैमिली के साथ खाना खाने निकला तो वहाँ पे अटैक हुआ, फिर मैं वहाँ से कैसे बचा। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसके पर्सपेक्टिव से कहानी कही जाती है। अब मैटर करता है कि इस फिल्म फराज में किस पर्सपेक्टिव से कहानी कही गई है और कितना बैलेंस तरीके से कहा गया है। जैसा कि इन क्रिएटर और डायरेक्टर का पहले का रिकॉर्ड में देख रहा हूं, तो इस फिल्म को भी उन्होंने डेफिनेटली अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से फिल्म को पेश करेंगे। देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ऐसी फिल्में ना फ्लॉप हो जाती हैं। यस, मतलब ये ब्रूटल ट्रूथ है, लेकिन ऐसी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। देखिए अब मैं फ्लॉप क्यों कर रहा हूँ उसका मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए क्या है ना, फ्लॉप फिल्म फ्लॉप है या हिट है वो टोटल डिपेंड करता है कि इसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या किया। अगर इसने बनाने हुए बजट से मतलब कम पैसे आए तो ये फ्लॉप है, और बनाने हुए पैसे जितने पैसे में इसने बनाए हैं उससे ज़्यादा पैसे आ गए तो ये हिट है। बस वो कलेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा यह मानना है, या आप भी मेरे बात पर अब सहमति दिखाएंगे, कि इस तरह की फिल्में लोग थिएटर में जाके तो देखते नहीं है कि चलो भाई अपने बच्चे को लेके चले, दादा दादी को लेके चले, वाइफ को लेके चले और थिएटर में ऐसे आतंकवादी वाली या टेररिस्ट वाली फिल्में देखेंगे, ऐसा अक्सर नहीं होता है। या फिर आप दोस्तों के साथ बोलेंगे चलो यार फिल्म देखते हैं टेरर वाली है, तो ऐसा अक्सर नहीं होता, क्योंकि टिकट का अगर 150 या 200 है ना, तो पॉपकॉर्न का 300, पार्किंग के 50 रुपए या 100 रुपए हो जाते, तो टिकट से ज़्यादा महंगा पॉपकॉर्न और पार्किंग हो जाता है। तो बड़ा कम चांसेस है कि ऐसे लोग फिल्म थिएटर पर जा कर के देखें। हाँ, अगर ऐसी फिल्में OTT पे आती हैं तो लोग इसको देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। ज़्यादातर क्या, तो लोग काम से आए, रात थक गए हैं, चलो फ़ोन पे देख लिया या TV पे देख लिया, और देखते हैं और इंटरटेन भी, तो उन्हें अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से OTT पे ये फिल्में डेफिनेटली चलेगी। तो ये फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, कब आएगी उसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि ये थिएटर पे आ रही है 3 फरवरी को। तो देखना ना भूलिएगा 3 फरवरी को थिएटर में आ रही है। बाकी मेरे वीडियो का होता है यहाँ पे पूर्ण विराम, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सच्चे मुच्चे रिव्यू में।